हजरत एक बात पूछना है, दारुल की तरफ से ये फतवा साहिबा साल हो गया, इतने दिनों में इतनी दारुल की तरफ से अकाबिर दारुल उलूम मुफ्तियान इकराम सब की तरफ से उनके खिलाफ दलाइल के साथ हुआ, इतने दिनों में मौलाना साहब सब अकाबिर दारुल उलूम के साथ बैठा कभी? नहीं नहीं कभी नहीं। मैंने उनसे ये बात भी कहा, ये भी कहा, मैंने कहा भाई मुझे वो याद है कि जब मौलाना यूसुफ साहब इधर से गुजरते थे, हो नहीं सकता था कि देवबंद की तरफ से गुजरे, रास्ते दो थे, एक शामली होकर के सहारनपुर, हो नहीं सकता था कि वो देवबंद बगैर, और अगर हजरत रामचिल्ला आ रहे हैं तो लाजमी था, और शागिर्दों इधर मिला करते थे। अरे भाई आप जाते हो अल्लाह के मंदिर, कभी तो देवबंद से रास्ता करो, कभी आ जाओ, कुछ काम ना हो भाई, मदार है फातिहा पढ़ो निकल जाओ। अगर शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से जाते थे इसी नीयत से कि भाई देवबंद चल के फातिहा पढ़े, वो घर में चले जाते थे। तो आप क्यों नहीं आ? मैं अब आऊंगा। आप अभी तक नहीं आया।